नई सरकार में संसद का बजट सत्र 17 जून से 26 जुलाई तक चलेगा। 19 जून को स्पीकर का चयन होगा और वही 5 जुलाई को मोदी सरकार पूर्ण बजट पेश करेगी। ये बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किया जाएगा। वहीं आर्थिक सर्वेक्षण 4 जुलाई को पेश होगा। इस बार आम बजट में ही रेल बजट को भी शामिल किया गया है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक जुलाई में पेश होने वाले पूर्ण बजट में टैक्स का स्लैब में कोई बदलाव नहीं होगा। रेवेन्यू कलेक्शन में कमी इसकी वजह बनी है। आपको बता दें कि निर्मला सीतारमण ने वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है और साथ ही अनुराग ठाकुर वित्त राज्य मंत्री बनाए गए। इसके बाद बजट से जुड़ी सभी तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी है। सत्रह जून से 26 जुलाई तक संसद का बजट सत्र चलेगा। 19 जून को स्पीकर का चयन होगा और आपको बता दूं कि 17 जुलाई को मोदी सरकार पेश करेगी पूर्ण बजट। 17 जून से 26 जुलाई तक चलेगा संसद का बजट सत्र। 19 जून को स्पीकर का चयन किया जाएगा। पांच जुलाई को मोदी सरकार अपना बजट पेश करेगी। आपको बता दूं कि वित्त मंत्रालय का कार्यभार अब संभाल लिया है निर्मला सीतारमण ने। मंत्रालय पहुंची, कार्यभार संभाला और निर्मला सीतारमण ही वित्त बजट पेश करेंगी। 17 जून से 26 जुलाई तक संसद का बजट सत्र चलेगा। 19 जून को स्पीकर का चयन किया जाएगा और उसके उपरांत 5 जुलाई को मोदी सरकार अपना पूर्ण बजट पेश करेगी। बता दूं कि अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, वो निर्मला सीतारमण ही बजट पारित करेंगी। 19 जून को स्पीकर का चयन होगा